जाकर रख दो ऊपर, सामान जो है इसे बिखरा पड़ा हुआ है। असल में एक महीने से ज्यादा जो है इसे पड़ा हुआ था बंद। किचन लगता है कि व्यवस्थित हो गया है, खाना वाना बन गया, तैयार हो गया है। चलते हैं ब्रश वगैरह करके, हम भी तैयार हो जाते हैं। आज थोड़ा गाइज लेट से उठना हुआ, रात को 2:30 बजे तक जगे हुए रह गए ऐसे ही। सारा चीज इधर से उधर पड़ा हुआ था, बेड बिछौना सारे गंदे हुए पड़े थे। यहाँ सीढ़ी के पास पर्दा लगा दिया गया है, पहले से नहीं लगा हुआ था। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से ये जो बेसिन का जो है ना, कहाँ वो रखे हो अथी वाला बेसिन का जो है पाइप है, जो यहाँ से वो जो वो दिया हुआ है बाहर निकलने का पानी, उसी में जो है से इसका पाइप जोड़ के लगाना है। आते समय उस टाइम में जब काम हुआ था उस टाइम में बच गया था, रोहित के शादी में सारे लोग चले गए थे तो यहाँ काम नहीं हो पाया था, छूट गया था। तो अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हैं किचन का भी वही हाल है, किचन का भी पाइप नहीं लग पाया था, ऐसे ही है पड़ा हुआ है। और इसके अंदर जो पाइप जाएगा वहां से देख सकते हैं, शायद आप लोगों को दिखे, वहां से बाहर निकलेगा पानी। और अभी जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से लेकर आते हैं और इसको लगा देते हैं, क्योंकि नहीं लगेगा तो सारा जो है से पानी फैल जा रहा है। तो चलते हैं मार्केट। देख सकते हैं गाइज हम आ चुके हैं कलेक्ट्रेट में, सुनील जी का चरित्र प्रमाण पत्र दिया हुआ है बनाने के लिए यहाँ, तो उसी के लिए आए हैं। देखिए सुनील जी भी साथ में हैं, इन्हीं का है आचरण प्रमाण पत्र। क्या बोला, 8 तारीख के बाद। देख सकते हैं गाइज ये औरंगाबाद कलेक्ट्रेट है, देखिए आपको बोला 8 तारीख के बाद मिलेगा ना, औरंगाबाद का कलेक्ट्रेट। गाइज हम लोग चलते हैं बाजार और वहां के बाद जाएंगे घर पे, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। देख सकते हैं मार्केट में है अभी, और प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक समय दिया गया है मार्केट खुलने का, इसके बाद बंद कर देना है। देख सकते हैं अभी अच्छा खासा भीड़ है मार्केट में, जिन जिनको मार्केटिंग करना हो 2 बजे के पहले कर लेना पड़ता है, इसके बाद 2 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, सारे दुकान बंद हो जाते हैं, देख सकते हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने मकान पे, घर पे, रात बाप से। आइए जी सुनील जी, हाथ खराब हो गया है, इतनी गर्मी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। रुकिए खोलते हैं, आइए आए। मार्केट से लेके आ गया सामान लेना था, देख सकते हैं ये तो पहले से दिया हुआ था बेसिन में प्लस लगा हुआ था, लेकिन इसके लिए पाइप चाहिए था तो मैं ले लिया, और फटाफट इसको फिट कर देते हैं हम, और इसको लेना पड़ा है, और ये जो है ना इसको लगाने के लिए ज़रूरत था, इसमें पाइप लगा हुआ नहीं था और दिया हुआ नहीं था, ऐसे ही दे दिया था और उस टाइम में लिए नहीं हम। देख सकते हैं आप, चलते हैं इसको लगा देते हैं, फिट कर देते। सो गाइज औरंगाबाद से अभी हम लोग जस्ट सुनील जी के मकान पर गए, और सुनील जी को कुछ काम था इसलिए वहाँ से चल के हम लोग सिमरा आए हैं। सिमरा एक जगह है औरंगाबाद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो अब यहाँ काम करके और हम लोग सीधे निकलते हैं अपने घर पे, तो बने रहिए ब्लॉग पर। देख सकते हैं डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के पास ही हम और सुनील जी आए थे, और डॉक्टर साहब से मिल लिए सुनील जी। और भी कुछ काम है सुनील जी आपको डॉक्टर साहब से? अब काम नहीं है तो अब हम लोग घर चलेंगे ना। हाँ सो गाइस जब हम लोग यहाँ का कार्य हो गया है अब हम लोग चलेंगे घर। देख सकते हैं गाइस यहाँ तार से ताड़ी उतारा जाता है, और तार का ताड़ी जो है ना वो लोग पीते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस,
तो देख सकते हैं अभी बज रहा है लमसम समय 11:30 और अभी हम चल रहे हैं अपने गांव, क्योंकि आज गांव में नया नया घर बना हुआ है तो उसी का गृह प्रवेश होने वाला है, गृह प्रवेश पूजा। तो यहाँ सब व्यवस्थित हो चुका है, घर जितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था सारा व्यवस्थित हो चुका है, अपने ढंग अपने जगह पर सारे सामान को व्यवस्थित कर दिया गया है और देख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे सब सामान ठीक हो गया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब सामान रखा है और मम्मी फोन पे बात कर रही है। देखिए मम्मी फोन पे बात कर रही है। यहाँ पे पापा कपड़ा पहन रहे हैं और हम भी गांव पे जाएंगे। सो गाइस, जिनके यहाँ गृह प्रवेश है वो मेरे गोतिया में पढ़ते हैं। जैसे हमारे गांव में लमसम हमारे समाज के जो भी हैं और 20 से 25 घर हैं हम लोग वहाँ, जहाँ भी जिनको मौका मिला वो वहाँ अपना जो है से घर मकान बनाकर अपना शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन गांव में अभी कम से कम 20 से 25 घर है जो अभी हम लोग का अपना जो समाज, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग आज जो भी गाँव में हैं वो एक ही परिवार से सारे लोग हैं, कि हमारे पूरा अपना समाज जो भी है हमारे गोतिया हैं। और आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो तो पता नहीं हमें, तो क्या कहा जाता है कमेंट करके बताएंगे उसको। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव। गया गया है, चलो भाव चल रहा है ना, इसको भी चल रहा है तो प्रतीक को जाने रहे हैं। बाबू हम लोग कहते हैं इसको, नाम तो आप लोग को पता है, प्रतीक नाम है इसका और बाबू बाबू हम लोग बुलाते हैं इसको, तो चलते हैं। चाबी छूट गया बाबू, इसका रेट पर होगा जाने आने। चलते हैं गांव पर और गांव पर जो भी कुछ तरह का कुछ फंक्शन विशेष होगा तो आप लोग तो देखिएगा नहीं इसको। चलो चलो। सो गाइस, फाइनली अब पहुंच चुके हैं वही पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ कभी दूसरे ब्लॉग में भी हमने चर्चा किया था। आप देख सकते हैं पीपल के नीचे जो बगल में जो चापाकल है उसका पानी पीने का आनंद है। और हम जब भी जाते हैं अपने गांव या अपने गांव से औरंगाबाद जाते हैं तो इस चापाकल का पानी जरूर, इसका ठंडापन ऑक्सीजन प्राप्ति हम लोग को ज़्यादा इससे मिलता है। और ऐसे भी पीपल के बगल में जो भी है ना चापाकल है तो इसका पानी का कुछ आनंद ही और है, बहुत ही शीतलता पानी मिलता है और स्वच्छ पानी होता है। देखिए प्रतीक पानी पी रहा है, देख सकते हैं आप नहीं इसका पानी का, देखते हैं कितना शीतलता पानी रहता है, ठंडापन रहता है पानी में, इसका कुछ आनंद ही दूसरा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं हम देव पहुंच चुके हैं और जब भी मैं गाँव जाऊंगा यहाँ से होके ही गुजरना पड़ता है हमें। और यहाँ पे सूरज मंदिर है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं गाइस, दुकान खुला हुआ है और यहाँ पे देव का बाजार, यहाँ पे और ये है पिंटू खान है, इसका नाम पिंटू है, पिंटू खान है। और ये हमारा दोस्त था ना, डेथ कर गया, उसी का छोटा भाई है, तो कभी इसके विषय में चर्चा करेंगे कभी, कि पिंटू खान देखिए बैठ के है मुस्कुरा रहा है, देख सकते हैं मुस्कान बहुत ज्यादा है। हाँ मुस्कान बहुत बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं गाइस, यहाँ देव मार्केट में हॉल पर बिजली से जो है से आग लगी हुई है। प्रतीक बाबा को प्रणाम करने गया है। नहीं,
फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने गांव पर और अपने घर दरवाजे पे। तो यहां पर पंकज बैठा हुआ है, देख सकते हैं पंकज भी दरवाजे पे बैठा हुआ है। अभी हम आए हैं गांव पर। नमस्कार। और यह है छोटू है, जितेंद्र कुमार पंकज का छोटा भाई है। हाय। देख सकते हैं कौन है। देखिए अभी भी पूजा का कार्यक्रम लगता है कि स्टार्ट है, अभी संपूर्ण पूजा नहीं हो पाया है। अभी देख सकते हैं आप, यही चाचा जी हैं और चाची हैं। देख सकते हो गाइस पूजा चल रहा है, छत के ऊपर है, अभी छत के ऊपर पूजा हो रहा है। देख सकते हो गाइस अभी हम लोगों को प्रसाद मिला हुआ है, पूजा समाप्त हो गया और हम लोग प्रसाद जो है इसे खा रहे हैं। देख सकते हो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग को प्रसाद मिल चुका है, हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। अब छोटू जी छोटू जी भी प्रसाद था ना, उधर से ऑटो था रोडवा पर, इतना मजेदार होगा पिंटू काम करिए। अब ऐसे छड़िया गिरल हो, ऐसा टेम्पू है, एक पार हो में दिक्कत हो चले तो वो टेम्पुआ को कुछ बोला, खिड़किया उतार के टेम्पू वाला कुछ बोला, समझे ना, एक दादी एक्स्ट्रा मांग के ले गए थे भाई, टेम्पू वाला बोला कुछ, चलो खिलाओ हमको भी। वो भी सिर्फ बैकवर्ड का जो है लगा, देखो काम हलारो ने कुकुरा के ले लेगा, चलो दो। अब टेम्पू वाले को कुछ बोला ना ऑटो वाला, तो ये अपना गेटवा से निकल के आगे उसको एक थप मार दिया, लंबा चौड़ देखा लग रहा था उसको मार दिया, मेरे ख्याल से वो ऑटो उसी गाँव का और उसमें महिला बैठी हुई थी उसके बगल में, महिला लोग निकल के ना उसको इतना झाव करे लगी, अभी तो स्टार्ट हुई थी, एक मिनट के अंदर 100 लड़का ने जीत गया यार, एक मिनट भी नहीं लगा 100 लड़का जीत गया। उस गांव में हम पहले भी देखा झगड़ाते जाते क्रम में जाना चाह रहे मतलब सोचा भी नहीं होगा, समझे कि हम उतर के ऑटो वाला के थोड़ा सा थोपियाएंगे और मेरे साथ ही बात किया होगा, और लाइकवन ओकरा अंदा थोपी करा दे किया तो वो जानते हो जैसे सेलिब्रिटी लोग कैसे भीड़ से भाग के गाड़ी में घुसता, उसे भागा और गाड़ी आगे बढ़ा रहा, कोई ओकर बोनट पर तो कोई पीछे तो कोई शीशा पर, फिर काबिल भी बनता है बगरार से। हाँ 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 काबिले में तुरंत ना ओकरा 5 मिनट में सोच याद रख लिया, हम उसके पीछे ही थे तो वो आगे बढ़ा था हम भी बढ़े, कहीं हो जाए। मजेदार बात यह है कि जब वो आगे बढ़ा ना संतोष जी हम भी आगे बढ़े, तो हम सोच रहे थे ना गाड़िया में बैठे क्या सोच रहा हूँ, पावर ऑफ कौन सी पावर ऑफ गाड़िया में सोचे तो हमको सब मारा, अरे तुम जानते हो क्या लड़की उतारी एक कौन बहुत लड़का है यार, तीन मतलब नया एज का, इसके उम्र का, इसके उम्र का जो है ना नन्हे ओकर उम्र के, अब गाड़िया किसे मार थे शीशा को मार रहा था, ऐसी होता है शीशा वो चढ़ा लिया होगा, शीशा चढ़ा के अंदर एक बार आदमी के साथ बैठा। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने घर औरंगाबाद और लमसम अभी 7 बजने वाले हैं। क्या मांग रही थी काहे के लिए, वो छोड़ दो लिंक मांग रही थी। और देखिए गुड़िया भी है यहाँ पर आगे है, छत पर थी नीचे आई। तो अब ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।